आज मुरादाबाद के कांट रोड स्थित एसएस चिल्ड्रंस एकेडमी में दो दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल की चारों सदनों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने किया, जिसमें स्कूल के बालक और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। Columbia, Discovery, you have to open this account. Three. Four. Discovery, you have to open this account. इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल में खेल होने बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों में खेल की भावना बढ़ती है। हमने इंटर हाउस वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित की है। ये काफी लंबे समय के बाद हुआ है, 2 साल हो गए आराम, और ये इसमें बॉयज और गर्ल्स सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। क्या कहना चाहती हैं खिलाड़ियों से, किस तरह का? देखिए, बच्चों में फिजिकल फिटनेस की वजह से ये स्पोर्ट्स वगैरह कराए जाते हैं, और इससे बच्चों में डिसिप्लिन आता है, सब एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, तो एक अच्छी भावना आपस में बच्चों के अंदर आती है। और गेम्स के खेलने से फिजिकल फिटनेस तो आती ही है, उसके लिए वर्कआउट करता है बच्चा, जॉगिंग भी करता है, रनिंग भी करता है, और उसके बाद तभी वो पार्टिसिपेट कर पाता है किसी भी गेम में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्कूल करिकुलम में इन एक्टिविटीज़ का होना। तो आगे भी हम कराते रहेंगे, हमेशा ही कराते हैं हम लोग हर साल डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट मंथ में हम खो खो कराएंगे। थैंक यू। गौरतलब है कि इस मौके पर स्कूल का स्टाफ आदि अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।